एक दो काम करना, फालतू का खर्चा बंद, साबुन मत खरीदो, बहुत फालतू खर्चा। एक साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम आता है, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तो काजू आता है, काजू खा लो तो अच्छा है। तो आप बोलोगे नहाएं कैसे, फोकट में नहाओ ना बिना साबुन के। बिना साबुन के कैसे नहाते मालूम है? घर में तौलिया है, तौलिया उसको पानी में भिगो लो, निचोड़ो और खूब कस के रगड़ो और पानी से नहा लो, कोई खर्चा नहीं। फिर आप कहेंगे पसीने की बदबू आती है, उसके लिए दूसरा रास्ता बताता हूं। नींबू का छिलका है ना, जिसका रस निकाल दिया, उसको उल्टा करके खूब रगड़ो शरीर में, पानी से नहा लो, एकदम खुशबू आती है। और नहाने का एक तरीका बताता हूं। अपने देश में एक महाशिवरात्रि त्योहार आता है, शंकर जी को उस दिन स्नान कराते हैं, किससे? दूध से कि लाइफ बॉय से? पता है शंकर जी लक्स लगाते हैं? नहीं ना, शंकर जी दूध से नहाते हैं। क्यों? सोचा कभी क्यों? मैंने सोचा ये शंकर जी दूध से क्यों नहाते हैं, भक्त लोग साबुन से नहाते हैं, भगवान जी को दूध से नहलाते हैं। दूध से इसलिए नहाते हैं कि दूध सबसे अच्छे तरीके से शरीर का मैल निकालता है। दूध को हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट, सफाई करने वाला। आप एक दिन ऐसा करना, दूध लेना थोड़ा कच्चा, उसको चेहरे में लगाना, फिर रुई से चेहरे को पोंछना, रुई एकदम काली काली हो जाए। कैसे? आपने दूध लगाया, गंदगी सब बाहर आ गई, रुई से पोछा, रुई पे आ गई। माने गंदगी निकालने का काम दूध करता है, तो शरीर में भी दूध लगाएं, गंदगी निकल जाएगी।